आयोजन बहुत ही बढ़िया यहाँ पे होता है और प्रत्येक साल की तरह इस साल भी बहुत ही बेहतरीन तरह से हुआ है। और ये ठाकुर श्याम मंदिर से निशान शोभा यात्रा निकाला गया था। यहाँ पे लोगों को जो देखा जा रहा है कि आप देख सकते हैं कितने जो हर्षोल्लास के साथ महिलाएं और पुरुष दोनों एक साथ मिल के निशान शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। और ये बड़ी शोभनीय है, ये भागलपुर के लिए बहुत बड़ी शोभनीय है। यहाँ से इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो है निशान शोभा यात्रा निकाला जाता है। सर, पिछले 2 वर्षों से कोविड को लेकर के जो त्यौहार हैं उनको सरकारी निर्देश के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, इस बार आप लोग त्यौहार मना रहे हैं, किस तरह का उल्लास है? जी बिल्कुल, 2 वर्षों से जो है कोविड को लेकर कुछ प्रतिबंध लगा हुआ था, इस बार प्रतिबंध नहीं है। इसको देखते हुए बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास से इस बार त्यौहार को मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही इतने ही खुशी है लोगों में इस बार त्यौहार में कि देखने को बन रहा है। राजस्थान के सीकर जिला अंतर्गत खाटू श्याम जी में सबसे बड़ा आयोजन किया जाता है, उसी के आधार पर भागलपुर में नौगछिया से चलकर लोग पैदल आते हैं, भागलपुर गोड्डा झारखंड से चलकर, सुल्तानगंज से चलकर और नाथनगर से चलकर लोग पैदल आते हैं, जिनकी सेवा केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के द्वारा जगह जगह पर कैंप लगाकर आने वाले भक्तों के लिए सारी व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ देवी बाबू धर्मशाला भागलपुर में पूरा आयोजन किया जाता है। महाप्रसाद की व्यवस्था के साथ साथ हमारे बिहार स्तर पर जितने भी बड़े कलाकार के साथ साथ जिन्होंने अच्छा काम किया है समाज में, उन लोगों को सम्मानित करने का काम केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ करीब 17 वर्षों से करती आ रही है। और हम लोगों से ये आह्वान करेंगे कि जहाँ जहाँ निशान यात्रा निकले वो भी अपने स्तर से वहाँ अपने घर के बाहरों में शरबत, पानी, चॉकलेट कुछ भी हो, उनके स्वागत के लिए उनकी व्यवस्था जरूर। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि लोगों को कोई 10 साल नहीं, कई 20 साल हो गए, ऐसा लोग महसूस कर रहे हैं। खास करके महिलाएं और बच्चों में सबसे ज़्यादा उमंग देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से सवेरे नंगे पांव, बासी पेट, बिना खाए बाबा श्याम को निशान अर्पित करने के लिए सवेरे 4 बजे से उठकर सब स्नान करके लोग लाइन में लगकर बाबा का निशान लेकर पूरे भागलपुर टाउन में घूमकर बाबा को निशान अर्पित कर रहे हैं, तो साफ प्रतीत होता है कि जिस प्रकार का उत्साह है वो बहुत ही ज़्यादा उत्साह है।